10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. शिक्षा जो बच्चों को शिक्षा दे पूर्ण करते हैं उनका आदर माता पिता से पहले होना चाहिए, क्योंकि जीवन देने वाले से अधिक मूल्य जीवन संवारने वाले का होता है। शिक्षा वस्तु नहीं जिसे पा लिया जाए या खरीद लिया जाए, शिक्षा तो अमृत है, ज्ञान का अमृत, जिसे पीकर शिष्य संपूर्ण हो जाता है। और इसी शिक्षा का प्रथम अध्याय शुरू होता है विद्यालय से। विद्यालय ज्ञान रूपी अमृत पाने का सर्वोत्तम स्थान, बच्चों के जीवन की पहली कर्म भूमि। शिक्षा मस्तिष्क में छुपे ज्ञान को उजागर कर पूर्ण विकसित करती है। Our main aim is to develop our students completely. All the characters of the students should be developed properly, not only in the school but also at the home. We request to all the guardians to support them on the each and every stage of life. We are very much very thankful to them. They have supported to their childs so that they were able to perform in this program very well. ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार कर एक आदर्श प्राणी बनाती है। द गुरुकुल इंग्लिश स्कूल एक ख्वाब है जो हमारे पिताजी ने देखा है, और इस ख्वाब को हम सभी ने मिलकर, इस विद्यालय के सभी मेंबर्स ने मिलकर एक ऊंचाई पर ले जाने का जो एक स्वप्न देखा था उसे हम लगातार पूर्ण करते जा रहे हैं। और भविष्य में हमारा ये एक एम है कि हम अपने देश के लिए ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो इस देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण
दे दें। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सकरने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। और मिंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाइए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाइए जमीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चल के जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी।